This is the core team of Bhoot, and we're very happy to take your questions related to the film and us related to the film, and that's what we would really like. सवाल आपसे जिस तरीके से परी में अनुष्का शर्मा ने डेयर किया कि उन्होंने इस लीड रोल किया, स्त्री बहुत अच्छी हिट हुई, क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले जो ए लिस्ट के जो आर्टिस्ट होते थे वो नहीं आते थे सुपरनैचुरल सब्जेक्ट में, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से फ्रंट में आ रहे हैं, तो क्या इसका कारण ये है कि जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो इस सब्जेक्ट को, इस तरह के जॉनर को सपोर्ट कर रहे हैं? आई थिंक ये ऐसा जॉनर है मैम, जैसे आप जानते हो कि वर्ल्ड वाइड ये बहुत पॉपुलर जॉनर है, इट्स वेरी ऑडियंस फ्रेंडली. आप सब, हमने सब देखा होगा द कंज्यूरिंग सीरीज एंड वेरियस अदर आइकॉनिक हॉरर फिल्म्स, बहुत ही पॉपुलर जॉनर है. सिर्फ हमारे इंडियन सिनेमा में बहुत कम बनता है. एक किस्म का टेम्पलेट हॉरर फिल्म बन चुका है मच बिफोर द 80s, इवन बिफोर दैट 90s में, इन द 2000s बहुत सारे ऐसे हॉरर एक्सपीरियंसेस रहे हैं. बट आई हैव टू से, एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज इट्स आवर फिल्म, कि हमारी जो फिल्म है वो प्योर हॉरर है. इसमें हमने ना गानों का सहारा लिया है, जो एक फिल्म में एक छोटा सा मोंटाज गाना है, बट देयर इज नो, वी आर नॉट प्रमोटिंग सॉन्ग्स. इसमें ऐसे कोई टिटिलेशन वाली बात नहीं है, इट्स अ सॉलिड स्टोरी टेलिंग ऑफ अ हॉरर फिल्म. तो मेरे हिसाब से ये दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड आई होप एंड आई एम ग्रेटफुल दैट विकी कौशल हेल्म द फिल्म विद अस, क्योंकि इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ऐसी फिल्में बन सकती हैं, हम इसी फ्रेंचाइज को आगे ले जाना चाहते हैं. एंड आई जस्ट थिंक इट एम्पावर्स अस व्हेन वी हैव स्ट्रांग टेक्नीशियंस एंड स्ट्रांग आर्टिस्ट हु एक्चुअली कंट्रीब्यूट अलॉन्ग with us to a genre, aisa genre jo zyada hame zyada dikhne ko nahi hota. Hi Karan, you're right this side. My question is for you and Vicky. So my question is ki pehli baar Dharma ek horror film mein haath aazmane ja raha hai, to kya off screen kabhi koi aisa hadsa hua hai ki aapko dar laga ho? विकी, ये सवाल का जवाब तो देना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत मुझ पर हंस रहे थे ये ट्रेलर देखते हुए. मैं एक्चुअली मैं करण से कह रहा था, व्हेन द ट्रेलर वाज बीइंग प्लेड, सो आउट ऑफ एवरीवन एल्स करण मस्ट बी द वन पर्सन हु सीन द ट्रेलर द मोस्ट. एंड यहाँ अभी तक
कुछ म्यूजिक भी नहीं आया था, वो भूत आया भी नहीं था और यहाँ ऑलरेडी रिएक्शन मिलने शुरू हो गए थे. तो मैंने कहा आप बहुत गलत ऑडियंस हो एक हॉरर फिल्म के लिए, कि डायरेक्टर इन एनी केस सोचेगा कि ये तो बहुत अच्छी पिक्चर बना ली मैंने. सो बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, मी करण एंड शशांक ऑल थ्री ऑफ अस आर वेरी स्केर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स, वेरी वेरी स्केर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. ही इज द ओनली गाय हु इज वेरी वेरी एंथुजियास्टिक एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. तो हम सेफ हैंड्स में थे कि डायरेक्टर एटलीस्ट है कि वो हॉरर फिल्में देखते हैं और हॉरर फिल्में वो पसंद करते हैं. पर क्या आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है ऑफ स्क्रीन? हादसा अब वो हॉरर का तो मुझे पता नहीं. हाँ छोटे मोटे मतलब ऐसे हो जाता था कि सीढ़ी गिर गई तो हमें बड़ा मजा आता था कि शायद भूत है सेट पे ये बोलना, या दरवाजा सिर पे गिर गया तो ऐसा लगता था. तो एक्सीडेंट भी हुए पर ऐसा कुछ नहीं कि हॉरर कुछ हुआ हो. और हम बहुत एक्चुअली इक्विप्ड हैं ऑलरेडी, हम बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जीते जागते बहुत सारे भूत भी हैं. तो भूत से डर नहीं लगता अभी हमें. माय सेकंड क्वेश्चन इज फॉर विक्की ओनली. इतने सारे रोल्स और वेरिएशन करने के बाद, जस्ट अ स्टार्टअप ऑफ योर करियर, सो एज अ कौन सा रोल है जो आपका ड्रीम जॉब होने वाला है? लाइक तख्त में भी आप नजर आने वाले हैं. हाँ जी. एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, लेकिन अब कौन से रोल में विच इज योर ड्रीम रोल? मेरा एक्चुअली इन दिस लाइनअप काफ़ी ड्रीम्स पूरे हुए हैं. हॉरर मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगा और मैं करना चाहूंगा, बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई रियली फेल इन लव बिकॉज मुझे सच में बहुत डर लगा ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल ओनली, पढ़कर ही. तो मुझे लगा ये ऑडियो विजुअल में जब कन्वर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस अच्छा होगा. सो आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट. बट येस अगेन फॉर तख्त इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम टू यू नो प्ले अ हिस्टोरिकल फिगर एंड अ कैरेक्टर एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म विच इज उस दौर में है जो हमने देखा नहीं है और वो फिल्म के जरिए हम ऑडियंस तक पहुंचा सके. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट आल्सो. हेलो हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव हॉरर फिल्म्स. तो एक तो वो था कि फिल्मों से पहला प्यार, आई नो नो वन सेज दैट, बट मेरे लिए पहला प्यार मेरी हॉरर फिल्में थी. एंड आई इंसिस्टेड बिकॉज आई वर्क विद शशांक खेतान ऑन हम्प्टी शर्मा की दुल्हा, वाज एज असिस्टेंट डायरेक्टर. सो जब मैं इनके पास आइडियाज लेके गया था, धर्मा है रोमांटिक कॉमेडी बनाएगा, हॉरर तो दूर दूर तक नहीं बनाएगा. सो इवन आई वॉज राइटिंग रोमांटिक कॉमेडी और मैं शशांक के पास गया कि मैंने एक आइडिया लिखा है ये बहुत अच्छा है. तो शशांक ने सुना और दो घंटे बाद मुझे फोन किया कि नहीं काम करेगा और कुछ नया आइडिया है. ऐसा नहीं हुआ था, इन्होंने आइडिया लाके दिया कि उन्होंने जो फिल्म पिच की थी वो एग्जैक्टली हम्प्टी शर्मा की कॉपी थी. तो मैंने बोला यार मैंने कम से कम DDLJ की कॉपी बनाई, तुम कम से कम कोई आइकॉनिक फिल्म की तो कॉपी बनाओ. एंड देन प्लीज कंटिन्यू. तो फिर मैंने इसके साथ एक आइडिया लेके गया. मैंने कहा देख ऐसे ऐसे है, शिप पे मेरा एक आइडिया, ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था और मेरे को लगता है इसमें पूरी एक फिल्म है और एक हॉरर फिल्म है. सो पर मुझे लगता नहीं कि धर्मा प्रोड्यूस करेगा. वो कहता क्यों नहीं, कहता करते हैं ना तू लिख, धर्मा को शॉक करते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट लेके जाएंगे वो कहेंगे पागल हो गए हो. और फिर जब वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है. सो आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज शशांक हैज इंस्पायर्ड मी एंड ही वाज द मेन रीजन दैट आई गॉट ऑन टू द पेपर एंड स्टार्टेड राइटिंग दैट फिल्म एंड फिनिश्ड राइटिंग एंड देन वी पिच्ड इट टू करण एंड I have no booth moment personally, but I remember हम शूट कर रहे थे कुछ कुछ होता है के लिए. We were shooting in Scotland और वो स्कॉटलैंड की सड़कों पर और जंगल्स में और ये एक लॉकनेस मॉन्स्टर की बहुत चर्चा होती है कि there's a लॉकनेस मॉन्स्टर इन दैट एरिया एंड टेरिटरी. तो मैं एक्चुअली सो रहा था, हम एक इन में रह रहे थे और दो दिन बाद हम टाइटल सॉन्ग शूट करने वाले थे कुछ कुछ होता है का. बट फारा खान मेरे साथ थी रेकी पे. तो हम देखते हम सूप वूप सैलेड वैलेड खा के बड़ा हेल्दी स्टाइल हम बेडरूम चले गए सोना, जल्दी उठना था. तो कुछ करीबन 10 या 11 बजे ढाक 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 मेरे दरवाजे पे कोई बैंग कर रहा था. तो लिटरली आई गॉट अप विद अ स्टार्टल एंड आई वेंट टू द डोर एंड इट वाज फारा खान जो कोई मिक्की माउस पजामा सूट में पहनी हुई व्हिच वाज वेरी क्यूट एंड माइल्डली स्केरी एज वेल. बट शी सेड के आई स्वेयर मेरे कमरे में कोई भूत है. आई फेल्ट द प्रेशर ऑफ समथिंग ऑन मी and I was like what are you saying. So she's saying I'm telling you I cannot sleep in my room, I have to share the room with you. So that's why she slept and she was afraid right through that night. She kept looking left right ke koi hai and she got me a little worried. Main aise theek tha lekin uska khauf dekh ke main zyada dar gaya. So that's the only close to ghost story that has happened in my life. Hi, mera naam Ravi Gupta hai from Filmy Fever. My question is to Vicky
and Apurva. In front of you, in camera row. Here. Vicky, first of all, मैं कहना चाहूँगा जो ट्रेलर है शानदार दिमाग को हिला दिया है इस ट्रेलर ने. थैंक यू. सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कोई भी किरदार निभाते हैं तो एक माइंडसेट आपका रहता है. ठीक है, उरी में हमने अलग माइंडसेट देखा, ये टोटली एक अलग जॉनरा है. यहाँ पे आपने किस तरह का प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए यू नो इनएक्ट किया है पूरा किरदार? यहाँ पे एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था हॉरर जॉनर, बिकॉज देयर वर सम थिंग्स व्हिच आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एज एन एक्टर. जैसे हर बाकी अगर कोई कॉमेडी करें या ड्रामा करें, कोई इमोशनल सीन करें, सो बिटवीन एक्टर्स यू कैन लीव इट टू द मोमेंट ऑल्सो, कि आप एक हद तक रिहर्स करते हो एंड देन यू सी कि उस मोमेंट पे क्या फील आएगा एंड देन यू लीव इट टू द मोमेंट ऑल्सो, यू सरेंडर इट टू द मोमेंट एंड देन यू क्रिएट समथिंग, कि उस मोमेंट पे कुछ आ गया यार, वो शायद अगले टेक में भी ना आए. बट हॉरर एक जॉनर ऐसा है जहाँ पे अब जब आपने ट्रेलर देख लिया है तो यहाँ पे मुझे सब कुछ जानना पड़ रहा था कि अच्छा मुझे पता है कि अगर मैं चलूंगा तो 5 कदम बाद दरवाजा खुलेगा अपने आप, तो ये मुझे पहले से बताया गया है, तो मुझे पता है कि ये होगा और उसका रिएक्शन मुझे देना. आई कांट लीव एनीथिंग टू द मोमेंट. सो ये काफी टेक्निकल और यू नो